हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल माई नेम इज भरत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक के बारे में ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है इसे हम चार्ट में कैसे स्पॉट करते हैं ये हम सीखेंगे इस वीडियो में ठीक है तो दो तरीके के ब्रेकर ब्लॉक होते हैं एक होता है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक और दूसरा होता है बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक आपके सामने जो चार्ट का एक एग्जाम्पल लगा है ये एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक का एग्जाम्पल है ठीक है तो आइए समझते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म कैसे होता है देखिए एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए होता है एक हायर आई एक हायर लो एक हायर आई एंड देन एक लोअर लो ठीक है इन चार चीजों से मिलकर बनता है ब्रेकर ब्लॉक अब इसके बाद इस फॉर्मेशन के बाद जो सीरीज ऑफ डाउन कैंडल्स होती हैं यहां पर ये इस लैग ऑफ मूव में इस पुल बैक में जितनी भी सीरीज ऑफ डाउन कैंडल्स होती है वो होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक एंड एज यू कैन सी इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं एंड वो करते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा ठीक है इसे हम बोलते हैं बियरिश ब्रेकर ब्लॉक अब हम बात करने वाले हैं एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक के बारे में एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले चाहिए होता है हमें एक लोअर लो low, एक हायर लो low, एक लोअर लो low, और उसके बाद एक हायर हाई एंड इन्हीं चार से मिलकर बनता है एक बुलिश ब्लॉक कैसे जितना भी सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल होती है यहां से लेकर यहां तक ठीक है इन्हीं को हम आगे एक्सटेंड करते हैं एंड उसके बाद होप करते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पे टैप करेगा एंड इसके बाद ऊपर की तरफ रिवर्स करेगा इसे हम बोलते हैं बुलिश ब्रेकर ब्लॉक ऑल द सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल जो इस पुल बैक में होती है ठीक है इन्हीं को हम आगे ड्रॉ करते हैं एंड इसके बाद हम होप करते हैं कि मार्केट उसी के अराउंड आके टैप करके ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है कभी भी कोई चीज कन्फर्म नहीं होती है ठीक है? नाउ लेट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ bearish एंड बुलिश कैंडल्स which मेक्स द ब्रेकर ब्लॉक फॉर मी द ब्लैक कैंडल्स आर द bearish कैंडल्स एंड ब्लू कैंडल्स आर द bullish कैंडल्स नाउ एक bearish कैंडल में When there's a whole good body, we take the whole body, the open and the close, as what? As we take the whole body as well as the mean threshold of the body as a breaker block. Okay? This is the case in a bullish as well as in a bearish scenario. Okay? We take होल बॉडी एज वेल एज द मीन थ्रेश होल्ड वॉट इज द मीन थ्रेश होल्ड मीन मीन द फिफ्टी परसेंट ऑफ द कैंडल एज अ बुलिश और अ बेरिश ब्रेकर ब्लॉक एंड हमारा जब कैंडल्स विक वाली होती है दे आर नॉट वेरी गुड विद द बॉडी दब हम क्या करते हैं तब हम इधर टेक द लोअर विक इनकेस ऑफ अ बेरिश ब्रेकर ब्लॉक एंड वी टेक द अपर विकलिश ब्रेकर ब्लॉक दीज आर दीक है चलिए अब चार्ट से समझते हैं कि एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक एंड अ बोलिश ब्रेकर ब्लॉक कहा फॉर्म होता है और हम इसे कैसे स्पॉर्ट करते हैं देखिये इस चार्ट के एग्जाम्पल देखते हैं वी हैव अयर राइट वी हैव अयर ठीक है अब हम वेट कर रहे हैं एक हायर हाई बनने का क्योंकि इस केस में यहां पर बनता है एज यू कैन here हेयर here वी a हाई ठीक है और हमारा लो एज यू कैन सी कि यहां पर बना है नाउ व्हाट वी हैव अ बेरिश ब्रेकर ब्लॉक मींस सीरीज ऑफ डाउट कैंडल जो कि यहां से यहाँ पर आपकी बन रही है राइट दिस इज अ बेरिश ब्रेकर ब्लॉक आप इसको यहां से यहां तक पे एक्सटेंड करेंगे एंड एज यू कैन सी वॉट वी नीड इज अ रिएक्शन फ्रॉम दिस ज़ोन एंड क्लियरली वी हैव अ रिएक्शन फ्रॉम हेल ग्रेट दिस इज आ फर्स्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल जो कि है जीबीपी एयूडी का चार्ट नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा एक हाई बना यहां पे हमारा एक लो बना है ठीक है अब हमें चाहिए एक हायर हाई एंड एज यू कैन सी हमारा यहाँ पर बना एक और हाई एंड उसके बाद सीधा ब्रेक होके ये आ गया हमारा एक लो, ठीक है लो कहां पर ये हमारा बना है लो और लो बनने के बाद हमने क्या बात करी थी कि सीरीज ऑफ डाउन को स्टैंडर्ड्स अब आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी सिर्फ बॉडी नहीं पूरी बॉडी से लेकर पूरी विक तक कभी कभी एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम कर सकती है ठीक है एंड उसके बाद ये आपके दिश पर है कि आपको एंट्री यहां पर लेनी है ग्या? यहाँ पर बिकॉज होता क्या है कभी कभी हम एंट्री मेन थ्रेश पे है, रखते हैं थोड़ा ऊपर रखते हैं तो हमारी एंट्री मिस हो सकती है तो so इट्सन यहाँ पर लगा के अपने जो लॉ स्टॉप को यहाँ पे रख सकते हैं एंड प्रॉफिट आप एटलीस्ट वन इज टू वन पॉइंट फाइव से टू के बीच का ठीक है दिस इज ऑल इसी एंट्री को यहां पे लेट्स पहले तो होता क्या है ठीक है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने टैप किया टैप करने के बाद सीधा नीचे की तरफ आ गया ठीक है अब द पॉइंट कि यही अगर सेम एंट्री हम यहां पर रखते मीन थ्रेश तो हमारी एंट्री कभी ट्रिगर होती नहीं दो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता ठीक है हमारा रिस्क कम हो जाता बट हमारी एंट्री कभी ट्रिगर नहीं होती तो गेम है जहां पे हर चीज पॉसिबल है तो ये आपके ऊपर है कि आपको रिस्क यहाँ पर लेना है कि आपको रिस्क यहाँ पर लेना है ठीक है कि आपको रिस्क यहां पर लेना है इट्स ऑल टू यू ठीक है आप किस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहते हैं ये आप पर है आई एम नॉट से हर बार एंट्री जो है वो मीन थ्रेश पे ही ट्रिगर करेगी ठीक है इसीलिए मैंने इस चार्ट को एग्जाम्पल को उठाया आई एम नॉट हर बार जो एंट्री है वो मीन थ्रेश पे ही ट्रिगर करेगी या हमेशा ऊपर ट्रिगर करेगी या हमेशा बॉडी पे इट्स ऑल अप टू यू ये पूरा एक ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म कर रहा है एंड ब्रेकर ब्लॉक से अगर आपको कभी भी एंट्री लेनी है देन ऑल यू नीड टू सी इज रिस्क एंड रिवॉल्व अगर आप रिस्क बड़ा कर रहे हो तो आप अपने अवार्ड को भी बढ़ा रखना चाहोगे ठीक है